सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकन का भी बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा डे टू डे लाइफ की, अगर आप उनको अपनाते हैं अपने जीवन में तो मैं शर्तियाँ कह सकता हूँ कि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी हमेशा हेल्दी रखेंगे। तो आइए जानते हैं वो सारी चीज़ें क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दीजिए। हमें हमेशा अपने लेफ्ट ईयर का प्रयोग करना चाहिए फ़ोन कॉल्स का आंसर देने के लिए। ये इसलिए कहा जाता है कि लेफ़्ट ईयर से हम अगर फ़ोन कॉल्स का आंसर देंगे तो बहुत कम रेडिएशंस का असर पड़ता है हमारे दिमाग पे, लेकिन अगर हम राइट ईयर का प्रयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस का इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ेगा। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज़ यूज़ योर लेफ़्ट ईयर फॉर आंसरिंग द फ़ोन कॉल्स। हमें कभी भी मेडिसिन ठंडे पानी से नहीं लेनी चाहिए। मेडिसिन हमेशा गुनगुने पानी से लेनी चाहिए, बिकॉज गुनगुने पानी से मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं, लेकिन ठंडे पानी से उनका असर काफ़ी देर से होता है। शाम 5 बजे के बाद हमें बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज 5 बजे के बाद हमारी फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी कम हो जाती है, जिससे उस खाने को पचने में बहुत समय लगता है। इसके कारण हमें रात में नींद भी बहुत कम आती है या बेचैनी होती है। हमें सुबह को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और रात में काफ़ी कम पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह को हमारा पेट खाली होता है और पानी हम ज़्यादा पीते हैं तो हमारे पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है, लेकिन रात में हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है इसलिए वो पानी प्रोसेस नहीं हो पाता, और जिस कारण हमारा पेट भारी रहता है और हमें नींद भी नहीं आती है। फिर सबसे अच्छा सोने का टाइम रात में रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का होता है। बेस्ट स्लीपिंग टाइम इज़ फ्रॉम 10 PM टू 4 AM। पुराने लोगों ने कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। एक्चुअली इस टाइम पे सोने से हमारी बॉडी कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाती है और सुबह जब हम उठते हैं तो काफ़ी फ्रेश महसूस करते हैं। दवाई लेने के बाद हमें फ़ौरन नहीं लेटना चाहिए, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो दवाई हमारे गले में कहीं भी अटक सकती है, जिसके कारण हमें चोक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दवाई लेने के बाद कम से कम 60 सेकेंड्स तक आप बैठे रहें, उसके बाद आप आराम से लेट सकते हैं। जब बैटरी आपके फ़ोन की बिल्कुल डेड होने वाली हो, यानी कि लास्ट बार बचा हो, तब कभी भी फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं करना चाहिए, ना ही फ़ोन कॉल्स करनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे जो रेडिएशंस होती हैं उनका इफेक्ट 1000 times स्ट्रॉन्गर होता है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होती हैं। तो इसलिए पहले आप चार्ज कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद फ़ोन कॉल्स को आंसर दीजिए। हमें लगभग रोज़ 1 एप्पल ज़रूर खाना चाहिए, बिकॉज 1 एप्पल लगभग हमारी सारी ज़रूरतों को विटामिन और मिनरल्स की पूरी कर देता है, जिससे हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जिस कारण डॉक्टर हमसे दूर रहता है। अगर हम रोज़ 5 आलमंड यानी कि बादाम खाते हैं भिगोकर, तो लगभग कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आलमंड में यानी कि बादाम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को पनपने नहीं देते हैं, तो हमें कम से कम 5 बादाम डेली ज़रूर खाने चाहिए। हमें रोज़ कम से कम 1 लेमन ज़रूर लेना चाहिए पानी के साथ या जैसे भी, बिकॉज 1 लेमन हमारे शरीर में फैट को डेवलप नहीं होने देता है और जो फैट होता है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करता रहता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 1 लेमन हम अपनी डाइट में डेली लें। हमें डेली कम से कम 1 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होती है और हमें बोन की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है, बिकॉज दूध के अंदर विटामिन सी छोड़ के सभी विटामिन मिनरल्स होते हैं। हमें कम से कम डेली 4 डेट्स यानी कि खजूर ज़रूर खाने चाहिए, बिकॉज खजूर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे अंदर कमज़ोरी को दूर करते हैं और हमारे शरीर के अंदर ताकत देते हैं। जो लोग बहुत पतले होते हैं उन्हें दूध के साथ खाने चाहिए, जो लोग पतले नहीं हैं ज़्यादा वो नॉर्मल खा सकते हैं। तो इसलिए अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए हमें 4 खजूर डेली खाने चाहिए। हमें डेली 3 टाइम्स प्रे ज़रूर करना चाहिए, यानी कि पूजा ज़रूर करनी चाहिए आप जिस भी गॉड को मानते हो, बिकॉज ऐसा करने से हमारे मन को काफ़ी रिलैक्स मिलता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि गॉड को याद करने से काफ़ी हद तक हम परेशानियों को भूल जाते हैं और हमारा दिमाग फ्री रहता है टेंशन से।
हमें कम से कम डेली 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। ऐसा करने से हमारा दिन काफ़ी खुश बीतता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा माइंड हमारी बॉडी के डेड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, जिसके कारण हम काफ़ी खुश रहते हैं और हमारी बॉडी टेंशन फ्री रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं अपने